Assalamualaikum students, how are you all? I hope you all are fine in this pandemic situation. I am Izzareen from SATCAM Education Services for class 9, subject biology. Today we will continue the revision of chapter 7. In our previous lecture we have to cover the topics light dependent reaction. And in our quiz topic, we will discuss about the dark reaction or light independent reaction. And the another topic is limiting factor. This is the second phase of photosynthesis, dark reaction or light independent reaction. इसे लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन इसलिए भी कहते हैं या डार्क रिएक्शन इसलिए कहते हैं बिकॉज इट नो नीड ऑफ सनलाइट। इसे जो है बेसिकली सनलाइट की ज़रूरत नहीं होती बिकॉज इन द लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस, जो इनका लाइट डिपेंडेंट फेस होता है वहाँ पर सनलाइट कैप्चर्ड ऑलरेडी हो चुकी होती है। प्लांट वहाँ पर सनलाइट कैप्चर कर चुका होता है और यहाँ पर जस्ट क्या हो रहा होता है, यूज हो रही होती है, उसका प्रोसेस होता है। तो दिस फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस डज नॉट रिक्वायर एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन सनलाइट को ही कहते हैं, बट ऑल्सो टेक स्पेस इन डे। मगर ये प्रोसेस उसी वक्त हो रहा होता है जब लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन हो रहा होता है, उसी के साथ साथ ये वाला रिएक्शन भी हो रहा होता है। ऐसा नहीं होता कि अगर डार्क रिएक्शन है तो आप लोग ये समझेंगे ये रिएक्शन, ये वाला जो फेज़ है ये रात के वक्त हो रहा होता है। दोनों रिएक्शन साथ साथ हो रहे होते हैं। सिर्फ इसे लाइट इंडिपेंडेंट या डार्क रिएक्शन क्यों कहते हैं, बिकॉज इट डज नॉट नीड अ एनर्जी ऑफ फोटोन। इसे डायरेक्ट सनलाइट की ज़रूरत नहीं होती बिकॉज plants captured sunlight in the first phase. Okay, the ATP and NADPH2 synthesized during the light dependent reaction. हमने पीछे पढ़ा था वो light dependent reaction में ATP, दो जो rich complex, energy rich complex बनते हैं, are dissolved in stroma. वो क्या होते हैं, stroma में dissolve होते हैं। stroma क्या था, semi fluid protein, जो हमने पिछली उसमें प्रीवियस प्रेजेंटेशन पढ़ा था, सेमी फ्लूइड लिक्विड। दे प्रोवाइड एनर्जी टू पावर द सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो ATP और NADPH2 है, ये जो बने थे फर्स्ट फेज में, ये स्ट्रोमा में रिएक्ट करते हैं। ये क्या होते हैं, ये साइक्लिक वे में रिएक्शन हो रहा होता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है, कार्बन ऑक्साइड गैस और वाटर ग्लूकोज बना रहे होते हैं। दिस फेज अकर्स इंडिपेंडेंटली विदाउट लाइट एज लॉन्ग एज ATP एंड NADPH2 अवेलेबल। जब तक ATP और NADPH2 अवेलेबल होते हैं ये रिएक्शन प्रोसीड होता रहता है। जैसे ही ये दोनों चीज़ें ख़त्म होती हैं ये रिएक्शन स्टॉप हो जाता है। ये दोनों चीज़ें नहीं मौजूद होंगी, लाइट होगी तो भी ये वाला जो रिएक्शन है ना, जो कि स्ट्रोमा में डिजॉल्विंग का प्रोसेस है, ग्लूकोज मेकिंग का प्रोसेस है, ये नहीं होगा। क्योंकि ग्लूकोज मेकिंग का प्रोसेस होता ही कब है, जब ATP NADPH2 स्ट्रोमा में या उस फ्लूइड में डिजॉल्व होते हैं और कन्वर्ट होते हैं किसमें, ग्लूकोज में। सो दिस फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस इज साइक्लिक फेज। इट अकर्स इन सेट ऑफ रिएक्शन ऑल्सो कॉल्ड केल्विन बेसन साइकिल ड्यू टू इट्स डिस्कवर और द C3। अब C3 क्या है, इन्होंने क्या कहा है, 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स फॉर्म इनिशियली। क्या होते हैं, यहाँ पे 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स बनते हैं, ठीक है। तो इसे C3 साइकिल भी कहते हैं। अब ये C3 साइकिल जो है वो उसको क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, सबसे फर्स्ट पे कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से हासिल होती है, नॉर्मली फ्रॉम एयर, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड, कैप्चरिंग शुगर, ये जो क्या करो शुगर चाहिए होती है, अब वो शुगर क्या करो, तो कार्बन डाइऑक्साइड शुगर को कैप्चर कर रहा होता है, अब पेंटोज शुगर। एंजाइम्स चाहिए होते हैं जो कि एंजाइमेटिक एक्शन करते हैं, एंजाइम्स को कैटेलाइज ऑल द रिएक्शन। अब एंजाइम्स क्या होते हैं, ऐसे कैटलिस्ट यूज होते हैं, वो तो रिएक्शन में टेक पार्ट नहीं करते, जस्ट वो कैटेलाइज कर देते हैं रिएक्शन की स्पीड को, बूस्टअप कर देते हैं, ठीक है। एंड एनर्जी फ्रॉम ATP एंड NADPH2 कम फ्रॉम सनलाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, और इसकी एनर्जी चाहिए होती है। अभी भी मैंने आपको पहले बताया था कि ATP और NADPH2 अगर नहीं होगा तो ये सेकेंड फेज ऑफ रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है।
सेकेंड फेज के लिए एटीपी और NADPH2 की एनर्जी चाहिए होती है। तो ये जो सेकेंड फेज ऑफ रिएक्शन है जो कि लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन है, इस लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन को कर प्रोसीड होने के लिए क्या क्या चाहिए होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस चाहिए होती है, शुगर चाहिए होती है, एंजाइम्स चाहिए होते हैं और एनर्जी फ्रॉम एटीपी एंड NADPH2 चाहिए होती है। नाउ द लिमिटिंग फैक्टर्स और द फैक्टर्स ऑन विच फोटोसिंथेसिस प्रोसेस डिपेंड, देयर आर थ्री फैक्टर्स ऑन विच फोटोसिंथेसिस प्रोसेस डिपेंड। देयर इज लाइट इंटेंसिटी, कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन एंड टेम्परेचर। These can all be limiting factors for the rate of photosynthesis. There is a graph which shows the limiting factor of photosynthesis process. There are three curves A, B, C which shows the different conditions for limiting factors. In point Z on graph, light intensity is limiting factor. जेड एक ऐसा पॉइंट है ग्राफ के ऊपर जहाँ पर लाइट इंटेंसिटी बहुत कम शो हो रही है, और अगर लाइट इंटेंसिटी बहुत कम होगी तो वो एक लिमिटिंग फैक्टर या एक वो ऐसा फैक्टर होगा जो कि इंटेंसिटी पे या फिर फोटोसिंथेसिस के रेट पे डिपेंड करेगा। ठीक है, सॉरी, फोटोसिंथेसिस का रेट उस पर डिपेंड करेगा, फैक्टर तो इफेक्ट करेगा। ठीक है, तो लाइट इंटेंसिटी क्या होगी, अगर वो कम होगी तो वो इफेक्ट करेगी फोटोसिंथेसिस के रेट पर। इसी तरीके से इन द ग्राफ बी, कर्व बी की अगर हम बात करें तो इफ़ लाइट इंटेंसिटी इंक्रीज टू ब्राइट लाइट एंड मॉडरेट टेम्परेचर द कंसर्न, अगर के लाइट इंटेंसिटी भी ठीक होगी, ठीक है, टेम्परेचर भी मॉडरेट है, तो जो फैक्टर है वो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस की कॉन्सेंट्रेशन, वो लिमिटिंग फैक्टर होगा। ठीक है, और हम इसको ऐसे भी ऑब्जर्व कर सकते हैं कि अगर हम सेम प्लांट को एक ऐसे एनवायरनमेंट में लगाएं जहाँ पर हाई कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस मौजूद हो तो जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है वो हाई हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्लियर? ओके, अगर लाइट इंटेंसिटी भी सही है, कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन भी ठीक है, तो जो लिमिटिंग फैक्टर होगा वो होगा टेम्परेचर। लेकिन टेम्परेचर को हम वैसे ही बहुत ज़्यादा नहीं रखेंगे, बिकॉज टू मच टेम्परेचर बिकम्स डी नेचर टू एंजाइम्स, वो एंजाइम्स को क्या करेगा, इफेक्ट करेगा। तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट, मॉडरेट टेम्परेचर एंड लिमिटिंग फैक्टर, ये सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड गैस की कॉन्सेंट्रेशन, ये तीन ऐसे आपके पास फैक्टर्स हैं जो कि रेट को फोटोसिंथेसिस के इफेक्ट करेंगे। तो अगर हमें बहुत अच्छा फोटोसिंथेसिस रेट चाहिए तो हमें इंटेंसिटी ऑफ लाइट भी अच्छी चाहिए, मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए और कॉन्सेंट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वो भी अच्छी चाहिए। अगर ये तीनों चीज़ें बहुत प्रॉपर वे में और बैलेंस होंगी तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी बहुत अच्छा होगा। There is an activity which shows how light intensity affect on the rate of photosynthesis. For this experiment, apparatus used large beaker of water, boiling tube is like a test tube, stand and clamp, paper clip, fresh water plant hydrilla, ruler, stopwatch, thermometer, lamp, etc. Lamp is for light. And thermometer is for measuring temperature. Now the procedure. Take a healthy piece of hydrilla plant, place it upside down in a boiling tube of water. It helps to sink the hydrilla. उसे hydrilla plant को एक healthy piece लें उसका, उसे boiling tube में रख दीजिए, और फिर इसलिए है कि ताकि वो अच्छी तरह से उसके अंदर dip हो जाए, sink हो जाए। क्लैम्प द ट्यूब टू होल्ड इट अपराइट इन बीकर ऑफ वाटर, और उसको जो है ना ट्यूब को बीकर वाटर ऑफ बीकर के अंदर प्लेस कर दीजिए या क्लैम्प की मदद से उसे हैंग कर दीजिए। इंश्योर दैट द प्लांट इज परपेंडिकुलर टू सोर्स ऑफ लाइट, बस इतना होना चाहिए कि जो प्लांट है उसके ऊपर सोर्स ऑफ लाइट परपेंडिकुलर वे में या डायरेक्शन में पड़नी चाहिए। द बीकर ऑफ वाटर इज नीडेड टू मेंटेन अ कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, और जो वाटर है बीकर का उसका टेम्परेचर कॉन्स्टेंट होना चाहिए। Place a thermometer in water to record the temperature. Turn off the room lights to reduce background light. ठीक है, background light का effect हमें नहीं देखना, हमें सिर्फ उस particular light का effect देखना है जो कि hydrilla plant के ऊपर पड़ रही है। ठीक है, and place a bench lamp close to the beaker.
बेंच लैम्प को बिल्कुल बीकर के क्लोज रख दें ताकि प्रॉपर अमाउंट ऑफ लाइट हाइड्रिला प्लांट के ऊपर जा रही हो. ऑब्जर्व द प्लांट फॉर फ्यू मिनट्स, यू विल सी द बबल्स ऑफ गैस कमिंग आउट. यहाँ पर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस शुरू हो जाएगा. अच्छा, बबल्स किसके निकलेंगे? ऑक्सीजन गैस के. ठीक है, बबल्स ऑफ गैस कमिंग आउट फ्रॉम द कट एंड ऑफ द प्लांट. इफ नो बबल्स सीन, रिपीट द एक्सपेरिमेंट विथ फ्रेश पीस ऑफ प्लांट. ठीक है, काउंट द नंबर ऑफ बबल्स पर मिनट. इफ देर आर अनकाउंटेबल बबल्स इज गोइंग टू फास्ट, बहुत तेज़ी से अगर बबल्स निकल रहे हैं, काउंटेड नहीं हो रहे, तो आप क्या करें, लैम्प को थोड़ा सा मूव कर दें. ठीक है, ऐसा करने से क्या होगा, इंटेंसिटी ऑफ लाइट कम होगी तो आहिस्ता आहिस्ता बबल्स निकलेंगे. रिपीट द काउंट्स अंटिल यू आर श्योर दैट द रेट इज़ कॉन्स्टेंट. अब क्या है कि रेट अगर कॉन्स्टेंट हो गया है आपका, कॉन्स्टेंट का मतलब लेट सपोज आपने ये देखा है कि एक मिनट में 10 बबल्स निकल रहे हैं, एक मिनट में 10 बबल्स निकल रहे हैं. ठीक है, रिकॉर्ड द रेट एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द लैम्प. उस लैम्प का जो डिस्टेंस ले लें प्लांट से, कितना डिस्टेंस था और इतने डिस्टेंस पे इतने मिनट में इतने बबल्स निकल रहे हैं. चेंज द डिस्टेंस ऑफ लैम्प फ्रॉम प्लांट एंड टेक मोर मेजरमेंट्स. थोड़ा सा उसका जो डिस्टेंस है ना, उसे बढ़ा दीजिए, लैम्प को थोड़ा सा दूर ले जाइए. ठीक है, और उसके बाद फिर उसकी दोबारा से जो उसके अंदर से बबलिंग हो रही है, उसको डाटा को मेंटेन कीजिए. टेक थ्री वैल्यूज एट ईच पॉइंट. ठीक है, डिस्टेंस को करते चले जाइए और हर डिस्टेंस पे तीन तीन वैल्यूज लेते जाइए. रिपीट द काउंट्स इन डिफरेंट डिस्टेंस फ्रॉम प्लांट. कीप द टेम्परेचर ऑफ वाटर कॉन्स्टेंट थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट. बस इस बात का ख्याल रखिएगा कि जो टेम्परेचर है वो थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट कॉन्स्टेंट होना चाहिए, टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए. ठीक है, बस क्या होना चाहिए, चेंज क्या होना चाहिए, डिस्टेंस चेंज होना चाहिए. अब डिस्टेंस क्यों चेंज कर रहे हैं, हम लाइट इंटेंसिटी को ऑब्जर्व कर रहे हैं ना, तो जैसे जैसे लैम्प दूर जा रहा है लाइट इंटेंसिटी कम होती चली जा रही है. ठीक है, तो हमें यही चीज़ ऑब्जर्व करनी है. ओके, आफ्टर मेंटेनिंग द डाटा, आपने डाटा मेंटेन किया, सपोज दैट द रेट ऑफ बबल प्रोडक्शन, बबल्स निकलने का जो रेट था वो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है. ठीक है, और वो टाइम के लिहाज से आपने वो कर लिया है कि हर तीन मिनट में आपने देख लिया कि इतने बबल्स निकल रहे थे या हर एक मिनट में इतने बबल्स निकल रहे थे. ठीक है, इट इज़ कंक्लूड दैट रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिक्रीजेस एट लो लाइट इंटेंसिटीज. यानी कि जब बिल्कुल उसके क्लोज था ना बीकर के लैम्प, तो एक मिनट में 10 बबल्स निकल रहे थे. जब हमने बीकर को थोड़ा, लैम्प को थोड़ा और मूव कर दिया, दूर लेके चले गए ना, तो एक मिनट में 10 बबल्स नहीं निकल रहे थे, कम निकल रहे थे, 7 निकल रहे थे या 6 निकल रहे थे. ठीक है, तो क्या हुआ कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिक्रीजेस एट लो लाइट इंटेंसिटी. जब बीकर वो लैम्प दूर चला गया तो लाइट इंटेंसिटी भी कम हो गई ना. तो एज द लैम्प इज मूव्ड अवे फ्रॉम प्लांट, द इंटेंसिटी ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन इट्स ऑल्सो डिक्रीजेस. तो उसकी इंटेंसिटी भी कम हो जाएगी और उसका रेट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. तो इस तरीके से हमने ये ऑब्जर्व किया कि कैसे फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है उसके ऊपर लाइट इफेक्ट करती है. ठीक है, ये तो हमें पता ही है ना, लाइट इज़ द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट, बहुत इंपॉर्टेंट है. विदाउट लाइट देयर इज़ नो फोटोसिंथेसिस. ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स आपका आज का लेक्चर था जिसमें हमने पेजेस ऑफ फोटोसिंथेसिस डिस्कस किए थे और यहाँ पर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कंप्लीट हो गया. इन अवर नेक्स्ट लेक्चर हम क्या करेंगे, रिस्पायरेशन को डिस्कस करेंगे. सो अंटिल देन, अल्लाह हाफिज. थैंक यू स्टूडेंट्स. ओके स्टूडेंट्स, इट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर. वेट फॉर अवर नेक्स्ट लेक्चर. इन अवर नेक्स्ट लेक्चर वी विल कंटिन्यू फ्रॉम रेस्पायरेशन. Until then, take care. Allah Hafiz.